गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी निकालो, पेज नंबर 49, चैप्टर 8, भरत मिलाप। तो हमने कल सेकंड क्वेश्चन अध्याय का देखा था, सॉरी अभ्यास का सेकंड क्वेश्चन कल देखा था। आज देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। यहाँ संकेत दिए हुए हैं और कोष्टक में जो संकेत दिए हैं उसका सही आंसर चुन के हमें लिखना है, ठीक है, कि सही संकेत कौन सा है। तो यह कोष्टक में दिया है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग। फिर से एक बार रीड करती हूँ, ध्यान रखिए। रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग, ठीक है। तो फर्स्ट दिया है, ध्यान से देखिए, ये किसका क्रॉसिंग है, किसका चिन्ह है, सही संकेत कौन सा है? तो ये है हॉस्पिटल का चिन्ह। किसका है? हॉस्पिटल। तो यह सेकंड ही दिया है, हॉस्पिटल। तो चलो अभी आपको मेरे साथ बुक में लिखना है, तो लिखो हॉस्पिटल। लिखा, चलो नेक्स्ट है, पिक्चर ध्यान से देखिए। देखा ध्यान से तो एक इसका पिक्चर है, कौन सा संकेत है? तो रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। कौन सा है? रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। तो यह फर्स्ट दिया हुआ है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। तो चलो लिखो रेलवे क्रॉसिंग, कि फर्स्ट दिया है, देखो कोष्ठक में वो चुनकर लिखो रेलवे क्रॉसिंग। चलो लिखा नेक्स्ट, देखो एक इसका संकेत है, ध्यान से देखो, आया समझ में? पैदल यात्री क्रॉसिंग। किसका है? पैदल यात्री क्रॉसिंग। देखो यह थर्ड ही दिया है, पैदल यात्री क्रॉसिंग। क्रोस्टक में देखा, थर्ड दिया है पैदल यात्री क्रॉसिंग। तो चलो लिखो आंसर में पैदल यात्री क्रॉसिंग।
चलो लिखा। नेक्स्ट है ये किसका संकेत है, देखिए ध्यान से, तो ये संकेत है साइकिल क्रॉसिंग का। तो देखिए यहाँ लास्ट में दिया है साइकिल क्रॉसिंग, तो चलो आंसर में लिखो साइकिल क्रॉसिंग। लिखा, चलो अब एक बार फिर से ये देख लो। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। यहाँ कोष्टक में दिया है और यह संकेत दिया है, जो सही संकेत का नेम है वो हमें कोष्टक में से चुनकर आंसर लिखना है। फर्स्ट दिया है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग, ठीक है। तो हमने चिन्ह देखे और उसका सही आंसर लिखा। फर्स्ट है हॉस्पिटल, सेकंड रेलवे क्रॉसिंग, थर्ड है पैदल यात्री क्रॉसिंग और फोर्थ है साइकिल क्रॉसिंग। एक बार फिर से यहाँ दिया है कि नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। यह जो संकेत दिए हैं उसके आंसर यह कोष्टक में है, हमें सही संकेत चुनकर आंसर में लिखना है। देखिए यह कोष्टक में दिया है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग। तो यह फर्स्ट हो हॉस्पिटल का चिन्ह है, सेकंड रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह है, थर्ड पैदल यात्री क्रॉसिंग का चिन्ह है, फोर साइकिल क्रॉसिंग का चिन्ह है, ठीक है, आया समझ में। चलो फोर क्वेश्चन, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। तो हमें क्या करना है, ऊंची आवाज में पढ़ना है और लिखना है। चलो आपको भी मेरे साथ पढ़ना है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, ध्यान रखिए। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। एक बार फिर से रीड करती हूँ, ध्यान रखिए। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। तो चलो आप भी मेरे साथ रीड करना है, मैं एक बार रीड करती हूँ फिर आपको करना है, चलो ठीक है ना। लक्ष्मण, फिर चलो नेक्स्ट उपेक्षित, मैं बोलू फिर आपको बोलना है ऊंची आवाज में जोर से, हाँ उपेक्षित। क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान रखिए। ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए, ऊंची आवाज में आपको पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। एक बार फिर से रीड करती हूँ। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। तो आपका होमवर्क क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है उसमें
इंस्ट्रक्शन लिखना है, कौश लिखने है, कोष्टक लिखना है, फिर ये संकेत ड्रॉ करके आंसर में लिखना है। फिर फोर क्वेश्चन में है वो ऊंची आवाज में पढ़ना है और सभी शब्द लिखना है, वो आपका होमवर्क है। थैंक यू।